हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को स्वागत करता हूँ लॉजिक ऑन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिक ऑन मतलब प्रॉब्लम्स गॉन। आप लोग कितना खुश हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ आपको पता चली गया होगा। एसएससी सीजीएल का वैकेंसी इतना आया है भाई, कितना आया है, 16,000। शायद जिंदगी में कभी भी एसएससी सीजीएल का 16,000 वैकेंसी नहीं आया है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार तो लेना ही लेना है भाई, इस बार तो लेना ही पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, जिसका 16,000 वैकेंसी आया है और आपको तैयार होना पड़ेगा, आपका प्रिपरेशन लेवल को एकदम टॉप तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल यानी कि कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी सीजीएल के अलावा सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जैसे पेपर्स भी लेते हैं। और ये एक नेशनल लेवल के टेस्ट होता है, ये ऑल इंडिया बेसिस होता है। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में इसका वैकेंसी कितना आया है और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगा तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका जॉब होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एक इंडियन सिटीजन होना तो बहुत ही आवश्यक है। इंडियन सिटीजन तो आपको होना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना जरूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, मतलब आप एसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफाइड हो, एसएससी सीजीएल आप पेपर में बैठ सकते हो भाई। और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल एंड साफ बात, आपका एज 18 साल हो चुका है और आपका एज 30 साल नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखिए, अलग अलग वैकेंसीज के लिए इस सीजीएल के अंदर बहुत सारे पोस्ट आता है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग एज लिमिट रहता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं जो पेपर आने वाला है इसका डेट कब है, पेपर कब है भाई। पेपर दिसंबर में है, इसी दिसंबर में है, नेक्स्ट साल नहीं है। कर लो अभी प्रिपरेशन, मन लगा के पढ़ लिया करो, कब तक करोगे बाबू सोना, अभी तो रख लो 4 महीने, कर लो प्रिपरेशन, ले जाओ नौकरी, कौन तुम्हें रोकने वाला है, नहीं तो फिर ससुराल से कॉल आएगा, शादी दे दिया है तो क्या करोगे, देख लियो अपना अपना। देखो भाई, इसका एग्जाम का कितना फेज में होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम फेज जो होता है वो मेनली 4 टायर में होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। इसके बाद हम देख लेंगे टायर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, टायर 2 में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्या होता है, फुल डिस्कस करेंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। बस देख लेते हैं टायर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। टायर 1 में पूछा जाता है इंग्लिश, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क्स रहता है 50, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स रहता है। उसके बाद आता है मैथ्स, मैथ्स में पूछा जाता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और जीएस में आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, रीजनिंग में आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 100 और टोटल मार्क्स रहता है 200। इसमें आपको टाइम मिलता है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग जरूर रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इसके मतलब क्या होता है, आपका 4 क्वेश्चन कट गया, मतलब 1 क्वेश्चन का नंबर माइनस, मतलब 4 क्वेश्चन कट जाता है तो 2 नंबर माइनस हो जाता है। उसके बाद आ जाता है टायर 2 में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, टायर 2 में इंग्लिश आता है और मैथ्स आता है और कुछ भी नहीं, और कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ना जीएस तैयार करना है ना रीजनिंग तैयार करना है, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश दोनों चीज आपको तैयार करके जाना है। सबसे ज्यादा इंग्लिश में 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का रहता है, और मैथ्स में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का रहता है। हर एक पेपर के लिए आपके पास रहता है 2 घंटा टाइम, जो बहुत ज्यादा होता है पेपर को फोड़ने के लिए, पेपर को तोड़ने के लिए। उसके बाद ये दोनों में तो आप क्वालिफाई कर दे, उसके बाद आपको जाना पड़ता है टायर 3 में। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आप क्वालिफाई कर दोगे, उसके बाद आना पड़ेगा आपको टायर 4 में। टायर 4 में कुछ स्किल टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद आप क्वालिफाई कर गए तो आप बन गए इंस्पेक्टर। क्या क्या पोस्ट में आप जा सकते हो इसको क्वालिफाई करके देख लेते हैं। आपका सिलेक्शन के बाद कौन कौन सा पोस्ट मिलने वाला है दोस्त, ये पोस्ट जो है इतना इंटरेस्टिंग है, पोस्ट देख के तो एकदम चंगा हो जाता है, पढ़ने का मन करते हैं। तो देखिए पोस्ट कौन कौन सा मिलने वाला है आपको। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, कौन सा सुना ही नहीं दिया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कहाँ पे आपका डिपार्टमेंट होगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर द कैग। कैग मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप समझ जाओ। सब इंस्पेक्टर कहाँ बनने वाले हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्या है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई भाई, सीबीआई जो मीडिया में हर बात बोलते रहते सीबीआई, सीबीआई का जांच करिए ये वो मामला, तो आप क्या बनने वाले हो, सीबीआई बनने वाले हो इस एग्जाम के बाद। उसके बाद देखिए इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीबीए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, इंस्पेक्टर ऑफ सीबीईसी, सीबीईसी में इंस्पेक्टर बन जाओगे। ये जो जितना मैंने पोस्ट लिखा ना, इससे बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन मैंने जो चार पांच पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये जो पोस्ट है ये देखने के बाद मन करता है जो पढ़ो 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 बस, और कुछ नहीं, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे दोस्त, लेकिन आपको अटूट रहना है, टूटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और इस बार इस इलेक्शन लेना है, 16,000 कम नहीं होता है दोस्त, 16,000 कम नहीं होता है, इस बार ही लेना पड़ेगा सिलेक्शन। इसके साथ साथ और भी होता है, टैक्स असिस्टेंट सीबीईसी में, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर भी कहां से होता है, सीजीएल के थ्रू होता है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हो इस पेपर को क्लियर करने से, आप इंस्पेक्टर पोस्ट में डिपार्टमेंट हो सकते हो, किसी भी पोस्टल डिपार्टमेंट में, किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट का एकदम इंस्पेक्टर लेवल में आप पोस्टेड हो सकते हो। तो किस बात की देरी है, किस सोच में पड़े हुए हो, अभी भी तुम्हारा खून नहीं खुल रहा है, कब पढ़ोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, हो जाओ तैयार और लग जाओ अपने जर्नी में, अपना प्रिपरेशन लेवल को एकदम टॉप में पहुंचाओ। किसी को बात नहीं सुनना है, सिर्फ पढ़ना है, और इस साल इस बार इस सिलेक्शन लेना है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।